आज भी जो टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, जो बताने जा रहा हूँ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज द रिपोर्ट ऑफ द रिपोर्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं बार बार अपने तमाम स्टूडेंट से फ्रॉम डे वन से लेके लास्ट डे तक कहता रहूंगा कि रिपोर्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिपोर्ट जो है आपका जितना अच्छा होगा, मार्केट में आपकी वैल्यू उतनी अच्छी है। उतना लोग कहेंगे नहीं फला जगह से कराओ, उनकी रिपोर्टिंग बहुत जबरदस्त होती है, ठीक है, तो देट विल गिव यू अ प्लस पॉइंट। तो रिपोर्टिंग हर ऑर्गन का, हर रिपोर्ट, नॉर्मल रिपोर्ट, पैथोलॉजिकल तो वो भी याद होना चाहिए, क्योंकि आपके पास रिपोर्टिंग बुक हमारी मौजूद है। रिपोर्टिंग बुक जिसमें इसे आप याद करो, मैंने एक बताया ना एक बात आप लोगों को कि द ओनली होमवर्क विच आई गिव टू माई स्टूडेंट दैट इज दैट जो है ना यू बाई हार्ट द रिपोर्टिंग बुक। आप याद कर लो, रट्टा लगा लो पूरी रिपोर्टिंग बुक, आप देखोगे अल्ट्रासाउंड कितना आसान हो जाएगा आपके लिए कि आपको पूछ सकते हो। तो नॉर्मल रिपोर्ट जरूरी है और ये नॉर्मल रिपोर्ट आप सबके फिंगर टिप्स में होना चाहिए इस वक्त जब आप अल्ट्रासाउंड कर रहे हो, क्योंकि ये रिपोर्ट जो है ना इसके दो फायदे हैं। एक तो ये है कि ये रिपोर्ट अल्ट्रासाउंड जो नॉर्मल रिपोर्ट है, चाहे वो किसी का भी हो, हम तो अभी लिवर की बात कर रहे हैं ना, चाहे वो किसी की भी रिपोर्ट हो, अब लिवर का अगर ये नॉर्मल रिपोर्ट अगर आपके हाथ में है, आपको याद है, तो दिस नॉर्मल रिपोर्ट इट इज अ चेकलिस्ट व्हेन यू आर डूइंग द अल्ट्रासाउंड। जब आप अल्ट्रासाउंड कर रहे हो तो इसी रिपोर्ट की रोशनी में अल्ट्रासाउंड करो, तो इंशाल्लाह कोई चीज भी आपकी मिसिंग नहीं होगी, कोई पॉइंट भी आप मिस नहीं करोगे। अगर आपको रिपोर्ट याद है तो आप इसी के हवाले से करो। और उसके बाद जो दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि चलो अगर नॉर्मल रिपोर्ट आपको याद ना भी हो, अगर नॉर्मल रिपोर्ट याद है और अगर आपकी राइटिंग पावर अच्छी है, आपकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी है, आप जो है ना रिप्रोड्यूस कर सकते हो, तो इसी नॉर्मल रिपोर्ट से आप कोई भी एबनॉर्मल रिपोर्ट बना सकते हो बहुत आसानी से। थोड़ा सा बस आपके अंदर वोकैबुलरी होनी चाहिए, थोड़ा सा राइटिंग पावर आपका होना चाहिए, ठीक है ना। तो रिपोर्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिपोर्ट जो है, जो पहला पॉइंट है इस रिपोर्ट का, दैट इज नंबर वन पॉइंट इज अल्ट्रासाउंड का लिवर क्लोज क्या दिखा रहा है। आप स्कैन कर रहे हो तो अल्ट्रासाउंड आपको क्या दिखा रहा है, स्कैनिंग में क्या नजर आ रहा है, तो सबसे पहले आप देखोगे नॉर्मल साइज, ये तीन चीज को पहले आप एक्सक्लूड कर लो। अगर सब नॉर्मल है तो चलो जी एक पॉइंट में निकल गया, बताओ नॉर्मल है सारा। उसके बाद नॉर्मल इकोजेनिसिटी अल्ट्रासाउंड की जबान में हम कहते हैं व्हाइटनेस, व्हाइटनेस ऑफ एनी ऑर्गन या उसका टेक्सचर या उसका लुक कैसा नजर आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड द इकोजेनिसिटी ऑफ दैट ऑर्गन। हर का अपना अपना इकोजेनिसिटी होता है, ठीक है, और अल्लाह ताला ने थोड़ा थोड़ा फर्क रखा है सबके, और उसी फर्क की बुनियाद पर हम पहचानते हैं कि ये क्या कौन सा ऑर्गन है, ये कौन सा ऑर्गन है, ठीक है। तो इकोजेनिसिटी को भी आपको देखना पड़ेगा, लेकिन इकोजेनिसिटी के बारे में बता दूँ कि इकोजेनिसिटी जो है वो हम लफ्जों में बहुत मुश्किल से डिफाइन कर पाएंगे, या कुछ हद तक तो कर देंगे, लेकिन हर ऑर्गन की जो इकोजेनिसिटी है वो आप सब की अपने हिसाब से अलग अलग होगी। हो सकता है किसी लिवर को मैं कह रहा हूँ कि भाई ये तो नॉर्मल इकोजेनिसिटी, पता चला कि आपने स्कैन किया, आपने कहा नहीं जी इसकी तो इकोजेनिसिटी बहुत बड़ी भी है, ये तो फैटी लिवर है, ठीक है जी वो आपकी फाइंडिंग है, ये मेरी फाइंडिंग है कि मेरे हिसाब से तो नॉर्मल है। अब दोनों में से कौन ज्यादा करेक्ट है ये पे डिपेंड करता है उस कंसल्टेंट के ऊपर, जो उसको क्लिनिकली भी सारा कुछ देखा होगा, तो बोलेगा नहीं भाई ठीक है ये तो जो है ना फैटी लिवर है, नहीं डॉक्टर असीम इज रॉन्ग, ये अदर रिपोर्ट इज राइट, तो कह सकता है। तो मकसद कहने का ये, हर ऑर्गन की जो इकोजेनिसिटी है या उसका लुक कह लें या उसकी बनावट कह लें या उसका टेक्स्चर कह लें, वो भी आपको जहन नशीब करना पड़ेगा, लेकिन ये प्रैक्टिकल से आएगा, ये थ्योरी में नहीं आएगा। जब आप बहुत सारे नॉर्मल लिवर की देख लोगे तब आपके जहन में खुद बैठ जाएगा हार्ड डिस्क में आपके दिमाग पे कि दिस इज अ नॉर्मल लिवर, ये नॉर्मल लिवर की इकोजेनिसिटी है। और फिर जब कोई एक केस आप देखोगे कि उस नॉर्मेलिटी जो आपके ब्रेन में सेट है, बहुत सारे केसेस आपने हजार केस देख लिया नॉर्मल लिवर का, अब आपका ब्रेन जो है ना एडजस्ट कर लिया कि नहीं जी नॉर्मल टेक्सचर तो ऐसा होता है, अब उसके बाद उसमें अगर कोई चेंज आएगा तो आपका ब्रेन खुद उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, और फिर आप बोलोगे नहीं देयर इज सम प्रॉब्लम,
फिर आपको पैथोलॉजीज का सारा पता होना चाहिए जो हम आपको आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। तो वो इस तरीके से हम हल्का नॉर्मल इकोजेंसिटी लीवर की हमने वो भी देखनी होती है। उसके बाद नो फोकल मास चेंज, नॉर्मली जो लीवर होता है उसमें कहीं पे कोई अलग से कोई मास, कोई टुकड़ा, कोई ग्रोथ, कोई ट्यूमर नजर नहीं आता, नहीं होता ही नहीं, नॉर्मल में तो नहीं होगा ना भाई। और अगर होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, पैथोलॉजी, पैथोलॉजी बोलेंगे। और वेरी गुड, और लीवर के पैथोलॉजी में अगर मास है, सॉलिड मास है, तो उसको हम हेपेटाइटिस बोलेंगे, ठीक है। ये आगे जाके हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद नो फोकल मास चेंज, तो हमने जी पूरा स्कैन कर दिया यहाँ से यहाँ तक, चार पांच दफा प्रोब ऐसे पूरा, फिर हमने हमें लीवर में कोई चीज नजर नहीं आई, तो हम लिखेंगे कि नॉर्मल नो फोकल मास चेंज। तो तीन पॉइंट हमने कवर कर लिया, और फिर जो है ना साइज शेप पोजिशन होमोजेनस सिंगुलैरिटी नो फोकल मास चेंज, पांच पॉइंट को हमने कवर कर लिया अपनी रिपोर्ट में, ठीक है। यार साथ साथ बिकॉज मैं बता रहा हूँ ना कि चेकलिस्ट, चेकलिस्ट क्या होता है पता है ना आप लोगों को, जब आप सफर में जाते हो ना तो आप एक लिस्ट बनाते हो कि यार ये भी लेना ये भी लेना, जाते वक्त आप चेक करते हाँ जी सारी चीजें हो गई, आपने अपना बैग तैयार किया जी, इतने हमने ट्राउजर लेने, इतने शर्ट लेने, इतने हमने जो है ना स्टॉक लेने, इतने शूज लेने, इतना ये लेना, ये डॉक्यूमेंट रखना, वो डॉक्यूमेंट रखना, वो चेकलिस्ट बनाया जाता है। जो लोग रेगुलर ट्रेवलर है वो जो है ना वो चेकलिस्ट बनाते हैं, और जब वो घर से निकलते हैं तो चेक करते हैं कि भाई सारी चीजें हमने ले ली या नहीं ली, पता चला आपने तो आपको आदत ही नहीं चेकलिस्ट बनाने की। आप जो है ना यहाँ से एयरपोर्ट चले गए और आपकी जो है ना क्या कहते हैं बोर्डिंग शुरू हो गई, और आप जो है ना वहाँ